अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज है जुमातुल मुबारक, जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे नंबर पे सुबह हो गई है, हम उठ गए हैं, बच्चे चीचे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। ये देखें जी, इसने अभी नहा ली है, ये भी तैयार हो गए। कैसे हैं आप सब? जुमा बहुत मुबारक हो आपको। तो ये नहा ली अभी 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 कपड़े पहनी इसने, तो बस। हाँ जी, तो अभी अली भी नहाने लगा है, जुमे की तैयारी करने लगे हैं। हाँ, तो फिर जुमे तैयार हो के फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, तो हम हो गए हैं जुमे के लिए तैयार, तो अभी जाने लगे हैं इंशाल्लाह। जुमा पढ़ेंगे, जुमा अदा करेंगे। तो ये देख लें जी, हर रोज़ की तरह कंटिन्यूसली रोने वाला काम। तो अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने, तो जब वापस आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो अभी हम आ गए हैं जुमा पढ़ के वापस। हाँ जी, तो अभी दरवाज़ा खड़काते हैं, देखते हैं कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम। हाय, वालेकुम सलाम। निक्की सी वालेकुम सलाम करती है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रहा है? आपने नमाज नहीं पढ़ी? ओए, इसको भी रोना आ गया। कार्टून देखती रहती है सारा दिन, बस एक आंख वाला। इसको चेक करो, इधर ला मिला बेटा, ना ये रो रहा था। ये देखें जी, ये रो रहा था, तो अभी देख के ज़्यादा रोना शुरू हो गया। हाँ जी, तो इधर बना रही हैं नेस्ली हान आलू गोभी वाला पराठा। कल वो बनाई थी ना आलू गोभी, तो अभी बनाने लगी हैं आलू गोभी वाला पराठा। जी कैसी हैं नेस्ली हान? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। मैं ठीक हूँ। तो आपको पता है कि माशाल्लाह से, थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे प्लीज। आपको सबको पता है जैसे जी बिल्कुल जी, एक दिन एक दिन संडे को, यानी कि रोजा है। संडे को रोजा है, संडे को हमारी पहली सहेली हो रही है। ठीक है, और दिल में बहुत ज्यादा खुशी आ रही है कि माशाल्लाह से हम लोग कभी भी जी रहे। वाह, यानी कि इस रमजान में हमें जरा सा वो दरवाजा बंद कर, नहीं बल्कि रहने दे, एक मिनट आता हूं। रमजान भी हमें देखना नसीब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये है किसी को नसीब नहीं होता। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है जी, बिल्कुल सब। आप बिल्कुल बेहतरीन किस्म का कह रही हैं, और आलू गोभी वाला साथ पराठा। हाय हाय हाय, तो इसको उठा लूं मैं। तो ये देखिएगा, मैं कहता हूँ कि कमाल का बना देती हैं आलू गोभी वाला पराठा। तो बाकी सब्जियों को भी अच्छी लगती है? नहीं, मुझे तो बाकी सब्जियां कौन सी? आलू मेथी होता है, आलू पालक भी होता है। पालक नहीं खाती आली कहती है मेरे पेट में दर्द हो जाती है। हाँ, आलू बचपन से है मेरे, बचपन से नहीं, पहले मैं खाता होता था। अच्छा, पहले मैं हमें सुनाया कि ऐसे आपके पेट में दर्द हो। हाँ जी, ये बताएं। चलें जी, मैं ये बताता हूँ। वो ये था कि ना, पहले ना मैं आलू पालक खाता होता था, तो मैं नॉर्मल यानी के इजी था। तो उसके बाद हुआ यूं, हुआ यूं, हुआ यूं के ना एक दिन से ना, एक दिन मुझे ना पेट में दर्द होने लग पड़ी। तो साथ साथ वो पराठा बन रहा है, तो साथ साथ मैंने कहा उतनी देर में मैं अपनी स्टोरी सुना लूँ, कोई सुनता ही नहीं है। चलो, मैं कहा आप लोग चढ़े हुए थे तो आपको मैं सुना देता हूँ। ओके ओके, थैंक यू, आपने सपोर्ट की। तो दूसरे नंबर पे फिर मैंने ना एक दफ़ा ना, काफ़ी दिन ना मुझे ऐसे होता था कि मैं ना आलू गोभी आलू पालक खा लेते ना, तो मुझे ना पेट में दर्द होने लगा, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि दर्द क्यों हो रही है। हॉस्पिटल जा, इंजेक्शन वगैरह लगा, तो ये वो, उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता था। लेकिन ना किसी ने ये बात नहीं मुझे बताई, कहते थे खाया क्या है, ये वो नान शान वो, इस वजह से कह रहे थे कि
आपके पेट में दर्द होता है, लेकिन मैं नान ना भी खाऊं तो फिर भी पेट में दर्द। फिर नान मुझे ये नहीं, नान भी नहीं खाता, मैं नान नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, ऐसी चीज़ें नहीं खाता पीता। तो उसके बाद यूं हुआ कि ना मुझे ऐसा समझ आया कि मैंने ना, जब मैं गया ना तुर्की, इधर भी उनके भी उधर होती है ना वो आलू पालक, तो मैंने उधर भी खाई, मैंने कहा शायद इधर की और आलू उधर की नहीं। फिर मुझे ये समझ आई कि मुझे आलू पालक से दर्द होने लग पड़ता है, फिर मैंने छोड़ दिया आलू पालक। लेकिन फिर मैं एक दफ़ा गया ना तुर्की, जब तुर्की मैंने उधर खाई ना, तो मेरे उधर भी वही साहब बेहतरीन किस्म की मुझे दर्द हुई। तो फिर उधर भी हॉस्पिटल गए, उधर हॉस्पिटल जाके फिर यानी कि मुझे पक्का हो गया, उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया आलू पालक। तो कैसी लगी स्टोरी जी कमेंट में बताइएगा, अपना खूब ख्याल रखिए। नहीं ये तो बस वैसे ही देखिएगा, माशाल्लाह जी ये चीज़। बस कोशिश यही कि अच्छी बनाऊं, किस टाइम मेरे से टूट भी जाता है। कल नहीं, कल मेरे से टूटा था फ्रेंड। आप इधर क्या कर रही हो? तो उसके बाद तो फिर वो शुरू हो जाना है रमजान। तो रमजान में हम खाना वगैरह दोपहर को नहीं खा सकेंगे, क्योंकि रमजान आएगा इंशाल्लाह, तो रोजों का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैंने भी पहले रोजे रखनी है और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि रोजे रखूंगी। पिछले रोजे में तो मैं नहीं रख सकी इस वजह से कि आप बताओ कि मेरी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहती थी, अब इंशाल्लाह रखूंगी। तो ही है। अभी भी वही है तकरीबन। और हम आपसे अपनी सहरी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हैं? हाँ जी। मुझे भी खिलाओगी ना? क्या? सहरी। और मैं किसको सहरी की बात करूँ? अच्छा। तो जी ये देखे माशाल्लाह पराठा चेक करें। आए हाय हाय माशाल्लाह। इधर सहरों से थोड़ी सी हो गई है लेकिन। कोई इशू ही नहीं है। मसले वाली बात ही नहीं है। अभी हो जाएगी। हाँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, वीडियो लंबी हो या जैसी भी हो। और कोई बात सुनाएं आप? फिलहाल तो मैं कह रही हूँ कि आप ना ऐसे करो, दे मैंने कोई कॉली में डालो, मैं पराठा लेके आ रही हूँ। अच्छा तो पराठा एक मिनट में आपको बाद में दिखाता हूँ, जब पराठा तैयार हो जाएगा ना फिर दिखाता हूँ आपको। हाँ जी तो ये देखे जी, आप पक गए, एक साइड पक गई है, दूसरी साइड आ गई, ये आप चेक कर लें। हाँ जी। ये चीज ही नहीं ना मान, ये चीज ही नहीं मान है, ये जो आया ये ना हमारे उधर भी ना एक गोजले में होता है, पेनली गोजले में इनके भी होता है, पनीर वाला होता है पराठा। ओए होए होए वो बहुत मजे का, उसको उधर हम बनाते थे, वो पता कैसे बनाते थे? वो बनाते थे उसके अंदर आलू डाल के, आलू डाल के कीमा डाल के, सब्जी डाल के भी तो बड़े जबरदस्त बनते थे। तो भी मैं खाऊंगा, तो फिर आपसे मिलता हूँ खा के। हाय जी ये देखे माशाल्लाह जी पराठा बन के आ गया, साथ इसके दही, और ये साथ मेरे बिल के बैठेंगे, ये बच्चे खाएंगे, और ये एक आंख वाला देखती रहती है, ये देखिए ये देख। हाँ जी तो अभी ना थोड़ी सी हो गई है शाम, और हम लोग घर में बैठ के हो गया बहुत, तो हम ही आ गए हैं सांस लेने निकले नहीं है। अभी ये देखें ये जहाज जा रहा है, जहाज ही। तो इधर आओ, वो देखो रीच फातिमा किधर जा रही है। तो बच्चे मैंने कहा थोड़ा सा इधर खेल खूल लें, थोड़ा सा हम बाहर आए हैं थोड़ी सी सैर व तफरी करने के लिए, शाम को अक्सर हम बाहर थोड़ा सा निकल पड़ते हैं, इधर थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, तो उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद वापस चले जाते हैं बस। हाँ जी तो अभी हम वापस आ गए हैं, हम गए हुए थे आप ही घर, आप ही घर से अभी वापस आए हैं। तो माशाल्लाह से टाइम अच्छी गुजरी है, तो आप ही घर में हमने चक्कर लगाए, तो अभी हम लोग घर आए, मैंने बच्चों के लिए दूध रखा है फौरन चूल्हे के ऊपर, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो आपकी मेहरबानी, कुछ नहीं होता हमें फायदा होता है, बल्कि बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। लाइक भी करें साथ साथ, और कमेंट भी करें, और शेयर भी करें, एक दो फैमिली से बंदा तो शेयर करते ही है ना, उसी से करें।
एक बात मैं आपको और बताने लगी हूँ। हाँ जी। मैंने सोचा है कि मैं एक बिजनेस काटूँ। ये बिजनेस मैंने सोचा है कि बच्चों की जो गारमेंट्स होती है, गारमेंट्स जी बिल्कुल, कपड़े, हाँ जी वो, मैं खुद ऐसे बिजनेस करूँ कि मुझे भी फायदा हो जाए और जो लोग मेरे से मेरी बिजनेस से शॉपिंग करेगी उसको भी अच्छा लगे, इनकी फायदा हो जाए। फायदा ही हो गई, चलो चलो चलने दो चलने दो। अच्छा चलने दो, ये कटेगा नहीं तो। अच्छा अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, बिजनेस। हाँ मैं बिजनेस करने जाती हूँ, अगर आपकी कोई और भी मशहूरा है, कोई और भी आइडिया देने जाते हैं हमें, तो इंस्टाग्राम से हमें जरूर मैसेज करें, लोग इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे। यानी कि कमेंट में भी बता सकते हैं कि मैं क्या करूं, कपड़े का करूं या कुछ और का करूं। तो लेकिन जो हमारे माइंड में है वो यही चल रहा था। बेटे क्या कर रहे हो? और वो यही चल रहा था कि मैंने ये भी सोचा है कि अगर अपने ना भी हो सके तो वैसे ऑनलाइन बिजनेस बंदा कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसे वेबसाइट नहीं पता, यानी कि वेबसाइट नहीं पता। तो अगर आप लोगों को कोई पता है, या तो आप लोग उधर काम करते हैं या तो आपकी जानने वाली काम करते हैं ऑनलाइन बिजनेस पे, तो आप मुझे ये बता सकते हैं, शायद मैं भी उधर का करूँ ऑनलाइन बिजनेस। मैं बिजनेस करने जाती हूँ सच में, तो साथ अपने घर भी संभालने जाती हूँ, साथ बिजनेस भी करने जाती हूँ। तो अच्छी बात है बिजनेस करना, काफी ज्यादा औरतें हैं जो की घर भी संभालती है और अपने बच्चों को भी देखती है, बिजनेस भी करती है। तो आपकी मेहरबानी, आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट में या इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, रमजान आ गया है, कल रमजान है, तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआएं करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।